नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ, लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं नाथूश्री चोपटा तहसील में मौजूद हूं और आपको ये बता दें कि जो चोपटा तहसील के जो तहसीलदार हैं उनकी अगुवाई में यहां पर बिना मास्क वाले जो व्यक्ति हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। बात करते हैं ऊपर तहसीलदार साहब, हम इनसे बातचीत करेंगे। आज जो मुहिम चलाई गई है हमारे साथ इस वक्त चोपटा के तहसीलदार हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार लोगों को ये दिशा निर्देश दे रहे हैं और किस प्रकार मोटिवेट कर रहे हैं और बिना मास्क वाले लोगों के किस प्रकार चालान काट रहे हैं। जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, इसका मुख्य एजेंडा क्या है? मुख्य एजेंडा ये कोविड वाले यहाँ भी टेस्ट करवाने लगे हुए हैं, सभी करवाएंगे, वकीलों को भी जो भी यहाँ एंट्री करते हैं ताकि लोगों जागृत हो, कोविड 19 से बचा जा सके। सर, अगर मास्क कोई नहीं लगाता है और वो झील में आता है क्या कार्रवाई रहेगी? चालान कटने लगे हुए उनके। ठीक है, धन्यवाद। कितने चालान अभी तक काटे जा चुके हैं सर? 4 चालान कटे जा चुके हैं। अच्छा, कितने रुपए मैक्सिमम उनके चालान काटे जा रहे हैं? 500 रुपए में। 500 रुपए। यहाँ हमारे साथ इस वक्त जसवंत सिंह जी है जो कि सर आज जो मुहिम चलाई जा रही है ये पूरे एक तहसीलदार साहब, हाँ तहसीलदार साहब के साथ आए हुए हैं। तहसील में ज्यादा भीड़ थी इसलिए कोविड ना फैले लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो नहीं पालन कर रहा है उसका चालान कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो कि जो चोपटा के तहसीलदार हैं और जसवंत सिंह जी है जो कि पुलिस विभाग से है, उनकी अगुवाई में यहाँ पर चालान काटे जा रहे हैं और एक प्रकार से लोगों को मोटिवेट भी किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग यहाँ पर एंट्री करता है वो मास्क लगा कर ही आएँ, बिना मास्क लगा करके कोई एंट्री ना करें। जिस प्रकार पिछले काफ़ी महीनों से जो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इसी विषय को लेकर के जो चोपटा के तहसीलदार हैं और पुलिस विभाग से जसवंत सिंह हैं उनकी अगुवाई में चालान काटे जा रहे हैं और लोगों को ये दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर एंट्री करे वो मास्क लगा कर ही आए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।